अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो सावधान हो जाइए। आगरा RTO विभाग HSNP नंबर प्लेट को लेकर अलर्ट हो गया है। आगरा के ज़्यादातर चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं। जिस गाड़ी पर HSNP नंबर प्लेट नहीं होगी तो उनका कम से कम 5,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिस गाड़ी पर नहीं है, कैमरे की सहायता से RTO विभाग उन गाड़ियों का चालान कर रहा है। RTO के अधिकारियों का कहना है कि मंडला आयुक्त के आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। जब तक सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग जाती तब तक उन गाड़ियों का चालान किया जाएगा। हालांकि अभी एक दिन के अंदर कम से कम 50 चालान ऐसी गाड़ियों के किए गए हैं जिन पर HSNP नंबर प्लेट नहीं है। सर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जो दिया गया समय था कमर्शियल वाहनों का, वो खत्म हो गया है, किस तरह के सर इस पर अभी एक्शन लिया जा रहा है, क्या जुर्माना है? कमर्शियल वाहनों के साथ साथ जीरो जिन प्राइवेट वाहनों का नंबर पीछे से 0 से 5 तक है, उनकी भी समय सीमा समाप्त हो गई है। प्रवर्तन दल सड़क पर तो चालान कर ही रहे हैं। मंडलायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग ITMS से भी ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करके कार्यालय स्तर पर चालान किया जा रहा है और पर डे करीब 50 चालान ITMS से सूचना लेके जिनके पास HSRP नहीं लगी है उनका चालान किया जा रहा है। और ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक 100% HSRP नहीं लग जाएगी। रही बात कमर्शियल वाहनों की, कमर्शियल वाहनों में कई तरह के हम लोगों ने रोक लगाई है, जैसे उनका कोई भी कार्यालय स्तर पर कार्य नहीं किया जाएगा जब तक वो HSRP नहीं लगवा के आएंगे। और इसके अलावा प्रवर्तन की कार्रवाई रेगुलर चल रही है। अभी कल रात में कुछ लोग HSRP ना लगा के अपने वाहनों का नंबर प्लेट पे काले पोत के या किसी तरह से उसको मॉडिफाई किए थे, तो इसमें 10 चालान एक चौकी पे, 7 चालान सैया पे और 26 चालान जो है इरादत नगर में हुआ है और कुल मिला के करीब 32 FIR भी इनके खिलाफ किया गया है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।